तो दोस्त मेरे, आज हम बात करेंगे पैटर्न पासवर्ड के बारे में। ठीक है, बहुत से लोग हैं जो अपने अपने मोबाइल पे अलग अलग तरह से पासवर्ड रखना चाहते हैं। जैसे कोई अपना फेस का रखना चाहते हैं, तो कोई अपना फिंगरप्रिंट का, तो कोई पिन नंबर का, तो कोई पैटर्न का। तो आज हम पैटर्न पासवर्ड डालने के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हाथ में है अभी वीवो Y22 का नया मोबाइल फ़ोन, ठीक है, जिसमें हम आपको पैटर्न पासवर्ड डालकर दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करते हैं। ठीक है, ये रहा सेटिंग वाला ऑप्शन। सेटिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम इस तरह से स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, तो आपको सिक्योरिटी का, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा। तो सिक्योरिटी का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से देख सकते हो आएगा इंटरफेस। यहाँ पर लिखा है, देख सकते हो, स्क्रीन लॉक। तो हम स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर स्क्रीन लॉक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो पासवर्ड डालेंगे जो अभी करेंट में है। ठीक है, तो मैं आपको डाल के बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया गया है, स्विप का पासवर्ड है, पैटर्न का है, पिन का है। तो यहाँ पर हम पैटर्न को डालेंगे। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर हम पैटर्न को डालेंगे। पैटर्न को डालने पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस सर्कल दिया जाता है, जिसमें हम अपने हिसाब से पैटर्न डाल सकते हैं। जैसे देख सकते हो ये वाला। ठीक है, तो यहाँ एक बार डालने के बाद एक बार कन्फर्मेशन के लिए डाला जाता है। ठीक है, हम जैसे डाले थे वैसे एक बार और कन्फर्मेशन के लिए डालेंगे। देख सकते हो, तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, यहाँ पर हम कन्फर्म कर देते हैं। कन्फर्म करने के बाद हमारा पासवर्ड बन गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं, उसके बाद ओपन करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि मेरा फर्स्ट भी है, देख सकते हो। तो हम देख सकते हो ऐसे करते हैं, उसके बाद ऑन करके देखते हैं। देख सकते हो पैटर्न आ गया, तो हम इसको खोल सकते हैं। ठीक है, देख सकते हो मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया। ओह, मैं तो भूल गया। हाँ, ये वाला था, ये पासवर्ड भूल गया यार। अरे कोई बात नहीं।